सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की गुरुफिश एपिसोड में और लेके आए आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो दिन है मतलब यार बड़ा ही कमाल है यार। दोस्तों हम कर चुके हैं कंप्लीट 1000 एपिसोड्स इसी टिकटॉक्स सीरीज के और मजे की बात दोस्तों यहाँ पे कि हमने बीच में कोई भी एक दिन स्किप नहीं किया। मतलब आपको दोस्तों मिलती है टेक न्यूज लगातार मंडे से लेके सैटरडे दोस्तों, ऐसे में हर हफ्ते हर बार आपको लगातार नया एपिसोड देखने को मिला है। अभी हमने 1000 एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं नॉन स्टॉप, जो कि अपने आप में दोस्तों एक बहुत ही कमाल बात है और ऐसे में सारी ताकत जो है वो आप ही के प्यार और सपोर्ट की है। और अभी तक दोस्तों ऐसा मतलब आपने जो है वो कहीं पे माहौल देखा नहीं होगा टेक न्यूज़ का जहां पे आपको ऐसा कुछ सीन देखने को मिला हो। मतलब मैंने यार याद करता हूँ कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि वीडियोज़ जो है वो ट्रैवल करते हुए बनाई हैं, फ्लाइट में बनाई हैं, फ्लाइट से अपलोड भी कर दी हैं, या फिर दोस्तों कहीं पहाड़ों में हूँ तो वहाँ बना दी हैं, कहीं समंदर किनारे बैठा हूँ तो वहाँ बना दी हैं, मतलब बीमार बैठा हूँ तो दोस्तों वीडियोज़ बना दी है, मूड अच्छा है कि नहीं है तो भी आपके लिए आपको दोस्तों हमेशा मैंने मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए डिलीवर किया है टेकटॉक्स को। तो मतलब यार ये जो है अपने आप में बड़ा ही कमाल अचीवमेंट है आपका और मेरा हम सभी का मिलाते हुए। और अभी आपको दोस्तों आगे आने वाले दिनों में काफी कमाल क्रेजी चेंजेस भी मिलने वाले हैं वीडियोस में, तो मतलब आप उसके लिए बने रहिए, मजा दोस्तों आएगा भयंकर सा भरपूर सा। अभी ऐसे भी अगर आपसे बात करता हूँ जल्दी से पहले पुराने पोल की, तो दोस्तों सवाल ये था कि आप जो है वो फोल्डिंग फोन्स को लेकर कितना इंटरेस्टेड है, तो बोला है आप में से 66% ने कि भाई देखो प्राइस पे डिपेंड करता है। उसके बाद में आते हैं 20% बोलते हैं कि नहीं भाई जो नॉर्मल फोन है हमारा तो वो ही बढ़िया है, और बाकी बोलते हैं कुछ कि नहीं मतलब अब एक बार खैर ट्राई करना तो बनता है। अभी यहां पर दोस्तों ऐसे में आज का पोल आपके लिए ये है कि मतलब देखो टेक न्यूज़ अगर मैं बात दोस्तों करता हूँ टेकटॉक्स की, तो आपने देखा होगा कि आपको हमेशा एकदम सटीक सही खबर मिलती है टेक्निकल गुरुजी चैनल पे। तो क्या आपका दोस्तों कुछ कहना है, मतलब कुछ भी मन की बात यार दोस्तों, आपका जो दोस्तों मन करे आप मुझे बताओ। पोल में मैंने ऐसे कुछ रैंडम दे दिए दोस्तों ऑप्शंस, नीचे बताइए कमेंट करके, क्योंकि मुझे काफ़ी खुशी मिली है कि हमने नॉनस्टॉप 1000 एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं। अपने आप में दिखता हूँ पीछे मुड़ के तो लगता है कि हाँ भाई बीच बीच में बहुत बार बहुत जगह पे मैंने अपनी फ्लाइट्स मिस करवा दी ऑलमोस्ट। मैंने मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि बस एक वीडियो ये टाइम पे चला जाए, इसके लिए बाकी सारी चीज़ें जो है मैंने वो रुकवा दी, लेकिन आप ही के प्यार की ताकत है कि दोस्तों हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अभी ऐसे में अगर आपसे बात करता हूँ अभी पहले अपडेट की दोस्तों निकल के आता है Xiaomi की तरफ से, उससे पहले सभी बातों को दोस्तों ध्यान में रखिए, दबाइए थोड़ा एक्स्ट्रा जोर लगा के लाइक बटन को, बिकॉज आपको जो सपोर्ट है बड़ा ही कमाल है और आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत 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 शानदार चेंजेस देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्दी। मतलब मैं शो ऑफ के लिए कुछ आज नहीं मतलब वैसे एक दिन के लिए प्लान करता हूँ चीज़ें, मैंने आज तक ना कभी किया ना आप कभी ऐसा कुछ होते हुए देखेंगे कि किसी एक बस मौके के लिए थोड़ी मतलब जो है वो एक कुछ चीज़ प्लान करूँ। यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बैकग्राउंड में चलती हैं बहुत सारी होती हैं, और मतलब क्या बता दूँ आपको, लेकिन आप शायद बेहतर समझते हैं, आप शायद बेहतर जानते हैं। बस अभी तो लाइक दबाइए, आगे हम देखते हैं और क्या कुछ नया कमाल करते हैं। दोस्तों पहला अपडेट निकल के आता है Xiaomi की तरफ से, और Xiaomi जो है भैया वो इंडिया में नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड का जो खिताब है वो शायद 2020 में खो सकता है। मतलब यहाँ पर दोस्तों रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो करंटली चल रहा है सीन भैया मोबाइल फोन की सेल्स का और दोस्तों क्या चल रहे हैं पूरे के पूरे हिसाब किताब अप एंड डाउन, उसके चलते जो मार्केट में भैया प्रॉपर ऐसा ये अलग अलग ब्रांड्स के बीच में हो चुका है बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन, तो Xiaomi जो है वो शायद इसी के चलते 2020 में वो जो वो टॉप स्मार्टफोन ब्रांड का दोस्तों खिताब है वो शायद अपने हाथों से फिसलता हुआ देख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेके, तो भाई रिसर्चर्स ने क्या किया दोस्तों, मास्क बनाया
और मास्क बनाने के बाद में एयरपोर्ट सिक्योरिटी क्लियर कर ली, बिकॉज दोस्तों यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ फेस रिकग्निशन की। तो फॉर एग्जांपल मान लो भैया सिस्टम में मेरा चेहरा है, अब किसी ने मेरा ही मास्क बना के भैया पहन लिया अपने चेहरे पे, दोस्तों ऐसे में सिक्योरिटी क्लियर कर गए। अलीपे और वीचैट वगैरह में दोस्तों जो पेमेंट्स हैं वो भी कर दिए, मतलब यहाँ पे दोस्तों चाइना में रिसर्चर्स ने ऐसे देखने के लिए कि आखिर जो फेस रिकग्निशन सिस्टम है ये कितना सिक्योर है, तो मास्क पहना और भैया ये सारे काम बाईपास करते हुए निकल गए। तो लगता है कि नहीं भाई अभी इन सब चीज़ों में बहुत टाइम है और जो सिक्योरिटी है उसको थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेकर, निकल के आता है स्नैपड्रैगन 865 के एंटूटू बेंचमार्क को लेके, और यहां पर दूसरा बेंचमार्क निकल के आया है सामने, हमको बताता है कि भैया मतलब कितनी ताकत जो है वो है इसी नए प्रोसेसर में, जहां पर दोस्तों कंपटीशन जो है उससे मतलब कहीं ज्यादा आगे निकल जाता है। देखना यह है कि जो पहले फोन्स हैं इसी पे बेस्ड वो कब हमको देखने को मिलते हैं और आखिर उसमें हम और क्या कुछ नया क्रेजी कमाल जो है वो काम कर पाएंगे और परफॉर्मेंस उसका मजा उठा पाएंगे। बात दोस्तों करते हैं पे अगले अपडेट को लेके, तो सैमसंग जो है वो दोस्तों भी रिपोर्ट्स बताती हैं कि काम कर रहा है 144, जी हाँ 144 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर पे, जहां पर दोस्तों उसको बनाया जाएगा 14 नैनोमीटर्स की प्रोसेसिंग के साथ में। तो मतलब ऐसे में अभी हम बात कर रहे हैं 108 तक तो हो ही गया है, आगे देखते हैं और छलांग कहां कहां तक लगती है। अभी सैमसंग हो सकता है लेके आई जाए मार्केट में 144 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर। बात दोस्तों करते हैं यहाँ पे अगले अपडेट को लेके, तो यार ये है दोस्तों मेरे पास में Realme X2, और ये खैर अभी दोस्तों लॉन्च होने वाला है कल इंडिया में, आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी कल खैर मिली जाएगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे इसकी प्राइसिंग कुछ लीक हुई है जो बताते हैं कि इसके दो वेरियंट्स की प्राइस लीक हुई है, जहाँ पे दोस्तों एक तो है 6GB रैम 128GB स्टोरेज का जिसकी प्राइस है 19,999 रुपये, और दूसरा जो है वो है 8128 जिसकी प्राइस है 20,999 रुपये। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही कीमतें बिल्कुल कंप्लीटली पूरे तरीके से 100% गलत हैं। मतलब लीक्स दोस्तों बहुत बार आते रहते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन आप जानते हैं हमेशा कि अगर आपसे बात करता हूं किसी फोन की अनबॉक्सिंग की, तो आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में जो आपको कहीं और नहीं मिलती है सही कीमत जो है वो सीधा मिल जाती है इधर से ही। अब खैर मेरे को तो मालूम है ही कि इसके कितने वेरियंट्स हैं, क्या कीमत है, क्या है डिटेल्स रियलमी X2 की। इतना दोस्तों कह सकता हूं कि अपने हिसाब से मतलब काफी अच्छी कीमत पे आने वाला है और काफी दमदार फोन होगा प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से। अभी खैर आप कल इंतजार कीजिए दोस्तों वीडियो का, तब मैं आपसे बात करूंगा और बेहतर इसी Realme X2 के बारे में। अनबॉक्सिंग हम करेंगे दोस्तों साथ में, हम करेंगे एक थोड़ा सा और स्पेशल सरप्राइज आपके लिए। बाकी यहाँ पे जो Realme Buds Air हैं इनकी आपको अनबॉक्सिंग मिलेगी परसों। कीमत खैर इनकी भी लीक हुई थी 4999, लेकिन वो भी गलत है। असली कीमत जो है वो क्या है और क्या नहीं है मैं आपको खैर बताऊंगा आगे, लेकिन काफी एक्साइटिंग है ये भी और इसकी अनबॉक्सिंग परसों। तो आप खैर जानते हैं दोस्तों हमेशा की तरह TG प्लेटफॉर्म पे आप जो है वो ऐसा ही कंटेंट एंजॉय करते हैं, इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। बात दोस्तों करते हैं यहाँ पे अगले अपडेट को लेके, तो Xiaomi का भैया इलेक्ट्रिक टूथब्रश आ गया है सामने जिसमें इनबिल्ट वाटर टैंक है, और मतलब ऐसे में दोस्तों कीमत है वो है करीब 1700 रुपए के आसपास। और वाटर टैंक जो है उसकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि हाई प्रेशर जो है उससे पानी बाहर निकलता है, तो मतलब जो आप दांत साफ करें तो वो अच्छे से साफ हो जाए अपने आप पे। भैया काफी कमाल का इलेक्ट्रिक टूथब्रश है वाटर टैंक के साथ में Xiaomi की तरफ से, क्या पता कि असली में सिर्फ वाटर का टैंक भी ना बना के लॉन्च कर दें, जो कि कर सकता है Xiaomi स्मार्ट वाटर टैंक, क्या पता है। उस बात करते हैं अगले अपडेट को लेकर, तो गूगल मैप्स जो है वो दोस्तों अभी क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं और लोग ऐसे बहुत बार सर्च करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन, तो यहाँ पर दोस्तों ये एक नया आइकन जो है वो लेके आ गया है जो बताता है कि मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन हैं वो मैप पे आप कैसे जो है वो बड़े आराम से लोकेट कर पाए। और इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों गूगल मैप्स ने बताया है कि जो सेटेलाइट इमेजेस हैं, जो दोस्तों सेटेलाइट मैप्स हम देखते हैं गूगल मैप्स में, वो अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन का 98% कवर करते हैं। तो यार ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा नंबर है, मतलब आप कहीं भी जाके बस जूम इन करते रहिए भैया आपको सैटेलाइट्स इमेजेस जो है वो देखने को मिल जाती है गूगल मैप्स में, जो कि कवर करती है 98% पॉपुलेशन को। अगला अपडेट दोस्तों निकलता है यहाँ पे वीजा की तरफ से, और वीजा ने बोला है कि भाई जो हैकर्स हैं वो दोस्तों कार डिटेल्स को स्क्रैप कर रहे हैं, जो गैस स्टेशन दोस्तों होते हैं, जो पेट्रोल स्टेशन होते हैं जहां पे अक्सर हम पेमेंट्स कर देते हैं, तो वहां पे सावधान रहने की जरूरत है, बिकॉज अक्सर जो हैकर्स हैं वो उन सिस्टम्स को टारगेट कर रहे हैं और ऐसे में वहां से निकाल रहे हैं भैया कार्ड्स की डिटेल्स, जिसके चलते बाद में आप ही के बैंक का पैसा
कोई और किसी और काम के लिए इस्तेमाल भी ले पाएगा। उस तो बात करते हैं अगले अपडेट को लेके। तो सैमसंग गैलेक्सी S11 Plus का भैया ये एक लीक निकल के आया है सामने, जो बताते हैं कि एग्जैक्टली जो कैमरा लेआउट है वो कैसा होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूँ 108 मेगापिक्सल के कैमरा के बारे में, तो इसमें मालूम चला है कि वो हम दोस्तों देखते हैं पिक्सल कॉम्बिनेशन वो 9 पिक्सल का होने वाला है एक क्लस्टर में। और इस बार मतलब जो आपको मिलेगा आउटपुट वो होगा 12 मेगापिक्सल का, बिकॉज 12 9s are 108। अभी ऐसे में सैमसंग और क्या क्या मोड्स लेके आता है, कैसे कुछ इंप्रूव करता है क्वालिटी को, वो खैर हम देखते हैं, बिकॉज जो कैमरा है वो डेफिनेटली एक मेजर हाईलाइट होने वाला है गैलेक्सी S11 के लिए। अगला अपडेट उससे निकलता है यहाँ पे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को लेके। भैया इंडिया में हो गई है अभी आसान वाली प्रोसेस शुरू, जिसके चलते आपको काफी जल्दी ही अपना नंबर जो है वो बदलने में आसानी हो जाएगी एक ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर में। अगर बदलना है तो जाइए बदलिए और फायदा उठाइए। दोस्तों यहाँ पे इंस्टाग्राम जो है वो फिलहाल भी AI को काम में लेने वाला है, मतलब अगर कोई इंसान दोस्तों कुछ ऑफेंसिव कैप्शन लिखता है किसी पोस्ट को लेके, तो ऐसे में दोस्तों AI जो है वो सामने अलर्ट करने वाला है कि भाई जो कैप्शन है ये सही नहीं है। और अभी ऐसे में एक अच्छी बात है, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को क्लीन करने में आसानी होगी, बिकॉज ऑनलाइन जो अब्यूज बढ़ रहा है वो बहुत ज्यादा ही हो रहा है, मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा हम काबू कर पाए। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे लास्ट अपडेट को लेके, निकल के आता है रिलायंस जियो की तरफ से, और ऐसे दोस्तों बात हो रही है रिलायंस जियो के वॉइस ओवर वाईफाई के बारे में, जहां पे दोस्तों ये जो फीचर है ये मतलब खैर एयरटेल ने तो ऑफिशियली लॉन्च कर दिया था और कुछ कुछ रीजन में चल रहा है कुछ कुछ स्मार्टफोन्स में, लेकिन ऐसे दोस्तों जियो जो है वो भी लगता है कि साइलेंटली इसको लॉन्च कर चुका है, कुछ कुछ रीजन में दोस्तों चल पा रहा है। तो भी ऐसे में देखते हैं कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होता है और क्या कुछ हमको नया देखने को मिलता है कॉलिंग क्वालिटी के मामले में इसी वॉइस ओवर वाईफाई के बाद में। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई तरह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।